नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग गुरुजी में। दोस्तों, आज 10 दिसंबर है और आज IBPS क्लर्क के प्री एग्ज़ाम का आखिरी दिन है। तो आज के पहले शिफ्ट में जो पजल आया था, लीनियर पजल, वो मुझे मिला है। गूगल पे सर्च करके मैंने निकाला है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। काफ़ी आसान पजल था, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसे सॉल्व करने में। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है। 8 पीपल PQRST U V एंड W आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। देखिए, 8 लोग हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, सभी नॉर्थ फेसिंग ही हैं, साउथ फेसिंग कोई नहीं है, तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उस पर 8 लोगों की पोजिशन कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक और कंडीशन लेकर चलेंगे ताकि बनाने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे तो आप एक कंडीशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 2 कंडीशन लेने से हम श्योर रहते हैं, हमारे आंसर में गलतियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि एस इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 1 2 3 4, एस लेफ्ट एंड से फोर्थ पोजिशन पे है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। 1 2 3 4, हाँ, एस और डब्ल्यू के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। उसके बाद टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, टी डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है। दोनों जगह पोजिशन कर दिया हम लोगों ने। नीदर यू नॉर पी सिट्स ऑन एक्सट्रीम एंड। यू और पी जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, ठीक है। इसको हम लोगों ने साइड में नोट कर लिया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यू इज़ नॉट नेबर ऑफ एस। तो यू जो है वो एस के नेबर में भी नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया, नोट डाउन। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है कि पी इज इमीडिएट राइट ऑफ यू। पी जो है यू के इमीडिएट राइट में है। तो अब हम लोगों को क्या पता है कि यू और पी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है और यू एस का नेबर नहीं है और यू पी एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही पोजीशन बच रही है जहाँ पे कि पी यू के राइट में आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि एक ही पोजीशन आ रही है और उसमें ये भी हमें पता है कि यू जो है एस के नेबर में नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी इज इन इमीडिएट राइट ऑफ आर। वी जो है आर के इमीडिएट राइट में है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लगातार 2 पोजीशन बिल्कुल खाली नहीं है कहीं भी, तो ये कंडीशन हमारा गलत हो जाता है। तो एक ही यही कंडीशन बचता है जहाँ पे कि 2 पोजीशन लगातार में खाली है और उसमें हम लोगों को क्या फिट करना है कि वी इज इन इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में वी आएगा, ठीक है। अब एक पोजिशन बच गई है, वो किसकी बच गई है, क्यू की बच गई है। तो क्यू को हम लोगों ने यहाँ पे पोजिशन कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, देखा आप लोगों ने कितने आसानी से हम लोगों ने इस पजल को सॉल्व कर दिया, काफ़ी कम समय में सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज शाम 6 से 7 बजे के बीच में मैं, जब आज के सारे शिफ्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद सभी शिफ्ट्स को एनालाइज करते हुए आज मैं 6 से 7 बजे के करीबन एक्सपेक्टेड कट ऑफ पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को एक रफली आइडिया लग जाएगा कि स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है प्री के एग्ज़ाम की। तो 6 से 7 बजे, ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।